रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि सोयाबीन 5900 के लेवल्स पर है और जो रिफाइंड सोया तेल है आज वो 1300 का लेवल तोड़ चुका है। रविंद्र जी, अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि सोपा के सर्वे में सामने आया था कि सोयाबीन का जो रकबा है, जो एकरेज है, वो ज़्यादा बढ़ा है, कोई बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले घटा है, और अब ये भी खबरें हैं कि बारिश की वजह से जो मानसून एक बार फिर से रिएक्टिव हुआ है, तो सोयाबीन की जो फसलें हैं खेतों में वो भी ख़राब हुई हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन की एकरेज वाकई में कम है, एक्चुअल आंकड़े क्या कहते हैं, और प्रोडक्शन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है जिससे कीमतें आगे मंदी तेजी की ओर जाएँ? देखिए, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में एक तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो कम हो गई है, और दूसरा जो इसमें इंपोर्ट है वो जनवरी तक बढ़ा दिया गया है कि जनवरी नेक्स्ट ईयर तक हम इसमें सोया मील में इंपोर्ट एक्सटेंड हुआ है, और वही चीज है जो इसके प्राइसेस को प्रेशराइज कर रही है डाउन साइड में। और इसमें जो सोइंग एरिया है वो भी इस बार कम है, 115 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो कि पिछले साल 123.5 लाख हेक्टेयर के आसपास का था, तो वो भी एक रीजन है कि उस वजह से चांसेस थे कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव करें, लेकिन जो कि जनवरी तक इसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सटेंड किए गए हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं स्टॉक प्राइसेस को इमीडिएट बेसिस पे, लेकिन आने वाले समय में ये 5200 के आसपास जाके ये कमोडिटी सस्टेन कर सकती है और वहां से फिर अगेन बाइंग बिटनेस हो सकती है। जी, तो यानी कि अभी सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है 5900 के लेवल से 5200 यानी 5200 के लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन वहाँ पे फिर से निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिलेगी।